गुरुवार को वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया, जिसका विपक्ष ने विरोध किया। इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि पंडित नेहरू की पीढ़ी में इन्होंने हिंदू उत्तराधिकार बिल लाया था, इसे मुस्लिम समाज के लिए लागू न करके अपीचमेंट की राजनीति की गई। कांग्रेस ने 1966 में संसद में संतों के ऊपर गोली चलाने का काम किया। मनमोहन सिंह से कहलवाया गया कि इस देश के संशोधन पर मुस्लिम समाज का हक है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करते आई है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को देश की जनता समझ गई है। बीजेपी का स्पष्ट सिद्धांत है न्याय सभी के साथ और तुष्टीकरण किसी के साथ नहीं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संविधान यात्रा निकालेगी। इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि आपातकाल लगाकर जिस पार्टी ने लोकतंत्र का काला अध्याय लिखा, वो आज संविधान की बात करते हैं। वोट बैंक की राजनीति और अफवाह की राजनीति के लिए इस तरह की बातें करते हैं। 16 अगस्त को कांग्रेस के एसडीएम कार्यालय घेराव पर मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि गोबर से लेकर गौठान तक में माफिया राज चलाया, जिन्होंने गौ माता और गंगा जल को नहीं छोड़ा। उनकी नौटंकी को पूरे प्रदेश की जनता जनार्दन जानती है। पंडित नेहरू की पीढ़ी में इन्होंने हिंदू उत्तराधिकार बिल लाया, उसे मुस्लिम माताओं बहनों और समाज के लिए लागू न करके अपीजमेंट की राजनीति की। इंदिरा जी के जमाने में 1966 में गोवंश की हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ कानून की मांग कर रहे संतों पर संसद में गोली चलाने का पाप किया गया। राजीव गांधी जी के जमाने में 1986 में साहबानों का प्रकरण करके तुष्टिकरण की राजनीति करके सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश को पलटने का के लिए अध्यादेश लाया गया। सोनिया जी के जमाने में मनमोहन सिंह जी के मुंह से रिमोट के चलाते हुए कहलवाया गया कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों का है। इस कांग्रेस ने तेलंगाना में एक बार एक घोषणा पत्र लाया था, उसमें लिखा गया था कि एक मुस्लिमों के लिए समर्पित अस्पताल बनाया जाएगा। ऐसे अस्पताल की कल्पना कांग्रेस कर सकती है जिसमें मुसलमानों का तो इलाज होगा लेकिन बाहर तड़पते हुए हिंदू मरीज का इलाज नहीं होगा। इस तरह से अपीजमेंट की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस करती आई है। तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों को देश की जनता समझ गई है और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट सिद्धांत है न्याय सभी के साथ, तुष्टिकरण किसी के साथ नहीं। जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। जिस पार्टी ने देश के में आपातकाल लगा करके लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय लिखा, जिस पार्टी ने करीब 100 बार के आसपास 356 धारा का उपयोग करते हुए राज्यों की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का पाप किया, जिस कांग्रेस ने देश में तमाम तरह की संस्थाओं पर को हमेशा ठुकराया, जिस राहुल गांधी ने अपने ही पार्टी के अपने ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के सरकार द्वारा पारित कानून को मीडिया में आकर फाड़ा और मनमोहन सिंह जी को नीचा दिखाने का, एक प्रधानमंत्री, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की संस्था को जिसने आघात पहुंचाया, वो आज संविधान की बात करते हैं तो पूरे देश की जनता इस बात को अच्छी तरह से समझती है। जिन लोगों ने संविधान को सबसे गहरा आघात पहुंचाया, आज वो वोट बैंक की राजनीति के लिए, अफवाह की राजनीति के लिए इस तरह की बातें करती हैं, लेकिन भारत देश की जनता जनार्दन अच्छी तरह से समझती है। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद पहली बार हुआ है कि आजाद भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरे बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने गोबर पे माफिया राज चलाया, गोठान के नाम पर माफिया राज चलाया और जो पूरा गौ, जिन्होंने न गौ माता को छोड़ा न गंगा जल को छोड़ा, उनकी नौटंकी को पूरे प्रदेश की जनता जनार्दन अच्छी तरह से समझती है।